Wah! Burn it down. Burn it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी फिल्टर। आज मैं बात करने वाला हूं 2019 में रिलीज हुई अब तक की 10 खतरनाक वेब सीरीज के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है अल्ट बालाजी की बेकाबू। इस सीरीज को आप अल्ट बालाजी ऐप पर देख सकते हैं। इस सीरीज के लीड रोल में है राजीव सिद्धार्थ, प्रिया बनर्जी, मधु स्नेहा और अंदिता सिंह। इस सीरीज की कहानी की शुरुआत राजीव सिद्धार्थ के कैरेक्टर से होती है, जो कि एरोटिक नोवेल के बेस्ट सेलिंग ऑथर रहते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे उसकी ही फैन उसे स्टॉक करने लगती है और वो उसमें इतना गंदा फंस जाते हैं कि वो अपना लाइफ को हेल बना लेते। इस सीरीज की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो इसे वॉचेबल बनाती है, वो है इस सीरीज की सस्पेंस और दूसरी है इस सीरीज की बोल्ड सीन। अगर आपने ये सीरीज अभी तक नहीं देखा है तो आप ये सीरीज एक बार तो जरूर ही देखें। ये सीरीज वाकई में बहुत अच्छी है, आप इसे देख सकते हैं। 9वें नंबर पर है पॉइजन। इस सीरीज को आप G5 पर देख सकते हैं। इस सीरीज के लीड रोल में है अरवाज खान, तनुज विरवानी, फ्रेडी दारूवाला और रिया सेन। इस सीरीज में रणवीर जब जेल से निकलते हैं और जेल से निकलने के बाद वो गोवा चले जाते हैं अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए। फिर गोवा के DSP यानी विक्रम वो इन पर नजर रखते हैं और इसके ही थ्रू गोवा के डॉन एंटोनियो वेर्जिने तक पहुंचते हैं। अब उसके बाद जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या होता है, ये चीज देखने के लिए आप ये वेब सीरीज देखें। इस वेब सीरीज को आप G5 पर देख सकते हैं। ये वाकई में बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, इसे तो आप एक बार देख ही सकते हैं। ठीक इसके बाद है 8वें नंबर पर कोटा फैक्ट्री। इस सीरीज को आप TVF के ऐप पर या फिर YouTube पर भी देख सकते हैं। ये सीरीज वाकई में बहुत ही दिलचस्प है। इस सीरीज की कहानी कोटा के विद्यार्थियों के इर्द गिर्द बुनी गई है। कैसे स्टूडेंट्स 10th और 12th पास करने के बाद कोटा जाते हैं और वहाँ से अपना जिंदगी संवारते हैं, ये सारी चीजें आपको इस सीरीज में अच्छे से दिखाई गई है, तो आप एक बार ये सीरीज देख ही सकते हैं। ठीक इसके बाद 7वें नंबर पर है स्काई फायर। प्रलय आने वाला है। कई बार आपने ये शब्द न्यूज चैनल के किसी खास शो में सुना होगा, जहां ये समझने की कोशिश की जाती है कैसे जल्द ये दुनिया डूबने वाली है। पहली बार नेचुरल के किसी डिजास्टर की कहानी G5 लेकर आया है। G5 की साइंस बेस्ड वेब सीरीज स्काई फायर नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हुई है और इसकी ऐसी हकीकत हमारे सामने लेकर आई है जिससे हम अनजान हैं। भारत में पहली बार ऐसी वेब सीरीज 8 सीरीज वाली रिलीज हुई है जिसे आप G5 पर एंजॉय कर सकते हैं। इस सीरीज की कहानी अरुण रमन के लिखी बुक स्काई फायर पर बेस्ड है और इस सीरीज का नाम भी स्काई फायर ही रखा गया है। इस सीरीज के लीड रोल में हमें प्रतीक बब्बर, सोनल चौहान और जीशु सेनगुप्ता देखने को मिले। नेचुरल डिजास्टर बेस्ड ये सीरीज काफी अच्छी है, आप इसे एक बार देख ही सकते हैं। ठीक इसके बाद है द फाइनल कॉल। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल पहली बार G5 पर वेब सीरीज द फाइनल कॉल के जरिए डेब्यू कर लिए। 22 फरवरी को 4 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज रिलीज कर दी गई थी। अर्जुन रामपाल इस वेब सीरीज में पायलट की भूमिका में है। करण सचदेवा की भूमिका में अर्जुन रामपाल स्काईलाइन 504 प्लेन को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरते हैं। इस प्लेन में कई पैसेंजर्स होते हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया जाने का कोई न कोई वजह होती है और साथ साथ पैसेंजर्स की कहानियां भी चल रही होती है। अर्जुन रामपाल के पास नशीली एवं जानलेवा दवाइयां होती है जिसे वह सिक्योरिटी को चकमा देकर फ्लाइट तक ले जाती। नशीली दवा इतनी जहरीली होती है कुछ ही मिनट में किसी का भी जान ले सकती है। ऐसा लगता है मानो अर्जुन रामपाल अपनी ही जान लेना चाहते थे, लेकिन इस दौरान गलती से साथी पायलट की मौत हो जाती है। फिर शुरू हो जाता है ट्विस्ट और टर्न और आप ये ट्विस्ट एंड टर्न जरूर देखना पसंद करेंगे। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखा है तो आप जरूर से जरूर देख सकते हैं। ठीक इसके बाद है 4 More Shots प्लीज। इस सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। इस सीरीज के लीड रोल में हमें देखने को मिले सयानी गुप्ता, विजय वानी, कृति कुल्हारी, मानवी गगरू, मिलिंद सोमन, अमृता पुरी और सिमेन सिंह। इस सीरीज की कहानी 4 लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपना जिंदगी में पूरी तरह से संतुष्ट है। ये सीरीज पूरी तरह से फेमिनिस्ट पर बेस्ड है। इस सीरीज को डायरेक्ट किए हैं अनु मेनन। इस सीरीज की कहानी 4 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक तलाकशुदा है, एक बाइसेक्सुअल है, एक कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाली लड़की है और एक जो कि अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर वेस्ट कर रही है कि लड़के उसमें क्या देखना चाहते हैं। चारों के कैरेक्टर इनडायरेक्टली रूप से मतलब मेकर्स के नजरिए से दर्शाई गई है।
ओवरऑल ये सीरीज अच्छी है, इसे एक बार आप देख ही सकते हैं, तो अमेजन प्राइम पर जाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक इसके बाद है मेड इन हेवन। इस सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। इस सीरीज के लीड रोल में हमें देखने को मिले शोभिता धुलीपाल, अर्जुन माथुर, जिम सरफ, शिवानी रघुवंशी, कल्की कोचलिन, शशांक अरोरा और अमृता पुरी। इस सीरीज के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओवरऑल ये भी सीरीज अच्छी है, इस सीरीज से आपको अच्छी खासी एंटरटेनमेंट डोज दी गई है, इसे भी आप देख ही सकते हैं। ठीक इसके बाद है दिल्ली क्राइम। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज की कहानी निर्भया कांड पर बेस्ड है। इस सीरीज के बारे में भी आप अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये सीरीज वाकई में अच्छी है, थोड़ी सी स्लो है लेकिन अच्छी है, इसे भी आप एक बार देख ही सकते हैं। ठीक इसके बाद है अभय। इन लिस्ट में मेरा पर्सनल फेवरेट अभय है। अभय वाकई में बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, इसका थ्रिलर वाकई में बहुत ही गजब का है। इस सीरीज के लीड रोल में हमें देखने को मिले कुणाल खेमू और उनका एक्टिंग वाकई में बहुत ही लाजवाब है। इस सीरीज में जो क्रिमिनल केसेस दिखाए गए हैं वो वाकई में बहुत ही लाजवाब है। इस सीरीज की एपिसोड महीने महीना में दो दो करके रिलीज की जा रही है। अब तक जितना भी इसका एपिसोड आया है वो वाकई में बहुत ही खतरनाक है और इसकी स्टोरी आपको बांध के रख। इसमें जितना भी मर्डर मिस्ट्री केसेस दिखाया गया है वो सारे रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। ओवरऑल आपने ये सीरीज तो देखा ही होगा, जिसने देखा है प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत ही शानदार लगा। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सीरीज देखें, ये वाकई में बहुत ही अच्छी है। ठीक इसके बाद है क्रिमिनल जस्टिस। ये भी बहुत अच्छी वेब सीरीज है, इसे आप हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज बीबीसी एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस की रिमेक है, जिसे तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज के लीड रोल में हमें विक्रांत मेसी, पंकज त्रिपाठी और अनु सेनगोयनका को भी देख सकते हैं और इस सीरीज की कहानी भी काफी लाजवाब है, थोड़ी सी स्लो है लेकिन आपको बांध कर रखती है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो आप इसे जरूर देखें। अगर इसके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस सीरीज में जो पंकज त्रिपाठी का एक्टिंग है वो वाकई में काफी लाजवाब है। उसके बाद विक्रांत मेसी ने भी बहुत ही अच्छा एक्टिंग करा है। ओवरऑल आप ये सीरीज एक बार जरूर देखें। उम्मीद है मेरे द्वारा बताया गया वेब सीरीज आपको पसंद आया होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देखें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं नेक्स्ट टाइम और भी अपडेट लेकर आऊंगा वेब सीरीज के बारे में।